Good morning students, you are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to start a new chapter of class 11th biology named as Morphology of Flowering Plants. First of all we'll discuss that what are the flowering plants. सबसे पहले हम बात करते हैं कि flowering plants होते क्या हैं. Universe के अंदर या फिर surrounding के अंदर ऐसे plants जिनके अंदर flowers आते हैं. They are bearing the flowers. The plants are known as flowering plants. In common words, these are also known as angiosperms. सामान्य रूप से इनको अपन एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है अपन ने पहले ये डिस्कस करनी थी. तो अब अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की. मॉर्फोलॉजी होती क्या है? मॉर्फोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं लाइक शेप, साइज, कलर एंड हाइट एटसेट्रा, इन सब की बात कर रहे हैं. तो साइंस की उस ब्रांच को जो है अपन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. बेसिकली जो है मॉर्फोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज एपिडर्मिस, नंबर सेकेंड इज anatomy. Epidermis is also known as external morphology. In epidermis generally we study about the external structure of the plants or living organism. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर उसकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, कौन कौन से पार्ट्स उसके दिखाई दे रहे हैं, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है. अगर ये सारी चीजें साइंस की जिस ब्रांच के अंदर या फिर मॉर्फोलॉजी की भी जिस ब्रांच के अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. इसके बाद हम बात करते हैं एनाटोमी. एनाटोमी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्ट्रक्चर. एनाटॉमी के अंदर जो है इन एक्चुअल वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेसिकली जो है अपन टिश्यू ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं. सपोज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग अपने बारे में बात करते हैं तो जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ माय वेट, माय हाइट, माय कलर एटसेट्रा, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एपिडर्मिस. अगर इंटरनल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, टिश्यूज का कंपोजिशन, ऑर्गन्स का कंपोजिशन, इन सब के बारे में बात करते हैं तो दैट ब्रांच इज नोन एज एनाटॉमी. दैट विल फर्दर स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर जो कि अपन जो है अगले चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी होती क्या है और जिसके अंदर प्लांट की एनाटॉमी के बारे में दे रखा है और एनिमल की एनाटॉमी के बारे में दे रखा है. एनिमल की एनाटॉमी के अंदर स्पेशली ह्यूमन बींग की एनाटॉमी के बारे में दे रखा है. दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है अपन को क्या क्या देखने को मिलते हैं. बेसिकली जो प्लांट है प्लांट को जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज द रूट सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज द शूट सिस्टम. प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि बिलो द सोइल है, सोइल के नीचे पाया जा रहा है. सपोज दैट दिस इज द प्लांट. ये प्लांट है, इसका जमीन से नीचे जो पार्ट पाया जा रहा है जो आपको दिख भी रहा है दैट इज नोन एज रूट सिस्टम. और इसके अबव वाला जो पार्ट अपन को दिख रहा है दैट इज नोन एज शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम के अंदर जो है अपन रूट के बारे में बात करेंगे. रूट होती क्या है, रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रूट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं और रूट के मॉडिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ रूट, वो सारी की सारी अपन जो है रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे. और इसके अलावा जो अबव पार्ट है दैट इज नोन एज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम के अंदर जो है अपन बात करेंगे कि स्टेम क्या होता है, इसके अलावा जो है लीव्स क्या होती हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स क्या होते हैं और सीड क्या होते हैं, इन सारी के सारे स्ट्रक्चर के बारे में जो है अपन शूट सिस्टम के अंदर बात करेंगे. जैसे इसके अंदर दे भी रखा है कि जैसे रूट दिख रही है अपन को,
इसके अलावा ये स्टेम दिख रहा है, स्टेम के ऊपर जो है लीव्स आ रही है, इसके अलावा कुछ लीव्स मॉडिफाई होकर फ्लावर बना रही है। फ्लावर जैसे बड़ा होगा उसके अंदर सारे फ्लोरल पार्ट्स आएंगे, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद में फिर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जैसे ही अपन को ये फ्लावर दिखाई दिए, सॉरी ये प्लांट दिखाई दे रहा है, इस प्लांट के अंदर अपन को लीव्स दिखाई दे रही है, स्टेम दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा रूट दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से अपन को ये प्लांट पूरा दिखाई दे रहा है, तो साइंस के जिस ब्रांच के अंदर अपन जो है एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। बेसिकली इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करने वाले हैं अपन, कि रूट होती क्या है, स्टेम होते क्या है, लीव्स होती क्या है, ये सारी की सारी एक्सटर्नल अपीयरेंस जिस ब्रांच के अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर है, फिर एपिडोनॉमी के अंदर तो अपन ने एक्सटर्नल की स्टडी कर ली है, अपन बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर एक्चुअली करते क्या है, अपन किसी भी प्लांट पार्ट को या फिर एनिमल पार्ट को ले लेते हैं, और लेने के बाद में उसको डायसेक्ट कर देते हैं। डायसेक्ट करने के बाद में अंदर से वो जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, अंदर से जो भी जिसकी स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, नेक डाइस से वो देखी नहीं जा सकती है। तो अंदर से जो भी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, उन स्ट्रक्चर की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज एनाटॉमी, दैट विल ऑल्सो फर्दर डिस्कस। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो है इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट को दो सिस्टम से डिवाइड कर रखा है। नंबर वन इज रूट सिस्टम, नंबर सेकंड इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि रूट होती क्या है, रूट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसके अलावा रूट का फंक्शन क्या होता है, और रूट्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है अपन रूट सिस्टम के अंदर बात करेंगे। शूट सिस्टम के अंदर बात करेंगे अपन स्टेम होता क्या है, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्टेम के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। देन फर्दर विल टॉक अबाउट द लीव्स, कि लीव्स होती क्या है, लीव्स जो है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लीव्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, और लीव्स के टाइप क्या होते हैं, ये सारी की सारी जो है अपन लीव्स के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर होते क्या है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, और फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सेम थिंग विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फ्रूट, फ्रूट होते क्या है, फ्रूट के टाइप्स, एंड देन फर्दर विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सीड, कि सीड होते क्या है और सीड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस या प्लांट के जो भी पार्ट अपन को दिख रहे हैं, उन सब के बारे में जो है अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम या फिर रूट्स होती क्या है। एक्चुअली प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है, वी आरंट एबल टू सी दैट पार्ट, ऐसा पार्ट जिसको अपन देख नहीं पा रहे हैं, जमीन के नीचे पाया जा रहा है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। आपको इस प्लांट के अंदर भी दिख रहा होगा, ये तो मैं उखाड़ के लिखा हूँ, इसलिए आपको जो है थोड़ा ऊपर ही दिख रहा होगा, अदरवाइज रूट जमीन के नीचे ही पाई जाती है। तो इसके जो बिलो सोइल जो पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स, इसके अंदर जो है अपन रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और रूट का बेसिकली जो ओरिजिन है वो सीड के रेडिकल से होता है, रेडिकल से होता है। सीड जो है उसके अंदर जो सीड सीड के अंदर जो एक्सिस होता है, एक्सिस का जो अबव पार्ट होता है उसको फ्लोमूल बोलते हैं, बीच के अंदर कॉटिलेडोनरी नोड होता है, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज रेडिकल। इफ यू वांट टू नो, अपने स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, दिस इज द सीड, व्हाट इज इट, दिस इज सीड, ये जो है इसकी कॉटिलेडंस है, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सिस, इसके जो अबव वाला पार्ट है दैट इज प्लूमूल, जो लोअर पार्ट है दैट इज रेडिकल, और जो बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज नोड और कॉटिलेडोनरी नोड। ये जो इसका अबव पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। बाहर से जो सराउंडेड है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीड कोट। तो जो ये रेडिकल स्ट्रक्चर है, दैट रेडिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग रूट,
बट आफ्टर जर्मिनेशन, जैसे खेत के अंदर अपन ने सीड डाल दिया है, सीड डालने के बाद में सीड इज एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन, इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द न्यूट्रिशन एंड स्पेशली वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में ऊपर जो प्लूमूल होता है, दैट प्लूमूल इज फॉर्मिंग स्टेम एंड रेडिकल इज फॉर्मिंग रूट. और ये जो कोटिलेडंस हैं, इन कोटिलेडन का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन. जैसे अपन ने सीड को खेत में डाला है तो डालने के बाद में तो फूड सिंथेसाइज कर नहीं रहा है, इट मींस इट विल आल्सो टेक द फूड. इन दैट केस द कोटिलेडंस विल प्रोवाइड ए न्यूट्रिशन और फूड टू द डेवलपिंग सीड. ये रेडिकल रूट कट फॉर्म कर रहा है और प्लूमूल स्टेम को फॉर्म कर रहा है. जैसे जैसे स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद में जो स्टार्टिंग के अंदर जो रूट फॉर्म होती है, स्टार्टिंग के अंदर जो रूट फॉर्म हो रही है, दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट. स्टार्टिंग के अंदर जो रूट फॉर्म हो रही है, दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट से जो फर्दर रूट्स फॉर्म हो रही है, दीज रूट्स आर नोन एज सेकेंडरी रूट्स. These are known as secondary roots. और secondary roots से जो further roots form हो रही हैं, these are known as tertiary root. इनको बोलते हैं tertiary root. But this whole complex, primary root, secondary root, tertiary root, ये जो पूरा complex है, ये जो पूरा complex है, that is known as root system. ये जो है इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन रूट सिस्टम बोलते हैं. इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे कि रूट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और रूट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.